जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं सीटों को लेकर रस्साकशी बढ़ती जा रही है। खास तौर से बिहार में हर रोज नई नई अपडेट आ रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस में भी अभी तक सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है। अब जो नई अपडेट आई है उससे बिहार में पूरा INDIA गठबंधन टेंशन में आ गया है। दरअसल पुर्णिया सीट को लेकर बड़ा पेंच फंस गया है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने इसी कमिटमेंट के साथ कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया था कि उन्हें पुर्णिया सीट मिलेगी, लेकिन आरजेडी ने पप्पू यादव को मुश्किल में डाल दिया है। जेडीयू की विधायक रही बीमा भारती को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करके सारे समीकरण बदल दिए हैं। बीमा भारती ने मीडिया में साफ कहा कि वो पुर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। वहीं पप्पू यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि वो मर जाएंगे लेकिन पुर्णिया सीट और कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा बिहार में जेडीयू और कांग्रेस के बीच अभी भी पूरी तरह तालमेल नहीं बन पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आरजेडी बेशक कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी हो, लेकिन उसकी लगातार कोशिश है कि कांग्रेस को कम से कम सीटों पर सीमित किया जाए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शुरू में कांग्रेस 40 में से 12 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन बाद में वो 8 से 9 सीटों पर आ गई। हालांकि इसका भी अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। यहां तक कि आरजेडी कांग्रेस को 6 सीटों पर समेटने की कोशिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी ने इसके लिए खास रणनीति तैयार की है। लालू यादव और तेजस्वी यादव मिलकर इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें हथियाई जाएं और कांग्रेस को 6 से ज्यादा सीटें न दी जाएं। इसके लिए कई कैंडिडेट्स को सिंबल तक बांट दिए गए, जबकि उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि पुर्णिया, औरंगाबाद, कटिहार और पूर्वी चंपारण पर आरजेडी के दावे के बाद कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को जो सीटें इस वक्त आरजेडी ऑफर कर रही है उनमें ज्यादातर सुरक्षित सीटें हैं। कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से सिटिंग सीट किशनगंज दे दी गई है। इसके अलावा समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, गोपालगंज जैसे सीटें ऑफर की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पुर्णिया की बजाय नालंदा या हाजीपुर सीट ऑफर की जाए। कटिहार पर भी पेच फंसा हुआ है। कुल मिलाकर 6 सीट से आगे मामला बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इतना ही नहीं, लेफ्ट की तरफ से भी अपने दावे वाली सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। माले और CPI दोनों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही अकेले बची है जिसने अभी तक बिहार में किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। शनिवार को कांग्रेस के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी हुई, लेकिन इसमें भी बिहार के किसी कैंडिडेट का नाम नहीं था। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह लगातार लालबलू और राबड़ी आवास के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई सीटों पर कांग्रेस को आरजेडी या दूसरे सहयोगी दलों के साथ फ्रेंडली फाइट करनी पड़ सकती है। अब लोगों को इंतजार है कि कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट का ऑफिशियल ऐलान कब होता है और क्या स्थिति बनती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।